Welcome back all of you. Today we are going to start law of multiple proportion and reciprocal proportion. तो देखो हम लोग आज हमारे दो लॉ स्टडी करेंगे मेनली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल. कल हम लोगों ने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 1804 में डॉल्टन ने दिया था. अब बात आती है कि सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में है क्या. लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल नाम से कुछ इंडिकेट हो रहा है, यहां पर एग्जांपल के साथ चलेंगे, पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं. देखिए हमारे पास व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड. जैसे देखो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहां पर हमारे पास दो चांसेस है. हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है. तो दोबारा से क्लियर करते हैं, व्हेन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड. एक से ज्यादा केमिकल क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा. देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर. देखो इसमें क्या बात क्या रखी है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड बन गया तो इसमें से एक कंपोनेंट क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स मास रखेगा. जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16. दूसरे में कार्बन और दो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं ना, तो कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 32. क्लियर है यहां तक. तो यहां पर देखो कार्बन जो है वो क्या हो गया, फिक्स मास. कार्बन क्या हो गया, फिक्स मास, कंबाइंड विद अदर. तो देखो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, जब दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट. एक एलिमेंट वेरिएबल हो गया, एक क्या हो गया, फिक्स. बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर. देखो इसमें क्या बात करेंगे हम, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यहां पर, तो वहां दूसरे वाले केस में भी अगर हम बात करें तो रेशियो लगभग क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ताकि और अच्छी क्लियरिटी हो. तो देखो ये हमारे पास डेफिनेशन है और डेफिनेशन के साथ हम एक क्वेश्चन पे चल रहे हैं. देखिए जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा है समझने के लिए, फिक्स मास को हमारे पास काफी ऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ले लो, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड ले लो, पेंटा ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ओफो हो गया, ओ3 हो गया, ओ5 हो गया, एनओ हो गया. एक और भी आप कंसिडर करना चाहो तो आप NO2 को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. सो देखिए इसमें मैं कुछ बात कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको. नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मास कितना है भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन का मास कितना है यहां पर, 1 नाइट्रोजन है ना, तो हमारे पास हो गया क्या 14, ऑक्सीजन में 16, ठीक है. नाइट्रोजन कितने है 2, तो 28, ऑक्सीजन कितने है 3, तो 3 के लिए कितना हो गया 48. नाइट्रोजन कितने है 2, तो 28, ऑक्सीजन कितने है 4, तो यहां पर कितना आ गया 64. अब नाइट्रोजन कितने है 2, तो 2 के लिए कितना हो गया 28, और ऑक्सीजन 5 के लिए कितना हो गया 80. नाइट्रोजन कितने यहां पर 1, और ऑक्सीजन कितने यहां पर 2, तो 2 के लिए कितना हो गया 32. अब देखो अगर मैं एक को फिक्स करूं, मतलब मैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देता हूं, फिक्स होने का मतलब क्या है, इसका मास सभी में सेम होना चाहिए. देखो अगर मैं नाइट्रोजन को यहां पर फिक्स कर रहा हूं, फिक्स करता हूं, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन के केस में अगर मैं नाइट्रोजन को फिक्स करता हूं 14, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 14 का 16 हो जाएगा यहां पर. अब इसको मैं 14 करता हूं, मतलब इसको मैं हाफ करता हूं, तो इसका भी क्या हो जाएगा हाफ, तो हाफ पे कितना आएगा चेक करो एक बार, तो 24. यहां देखो अगर मैं इसको फिक्स करता हूं तो कितना हो गया 14, और इसको अगर करता हूं तो क्या आएगा, तो देखो हमारे पास 2 से क्या 32. यहां पर देखो इसको फिक्स किया मैंने अगेन 14, इसको फिक्स किया तो कितना आएगा 40. तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन तो फिक्स हो गया लेकिन ऑक्सीजन अभी भी वेरिएबल है कि नहीं है, तो वेरिएबल कंपोनेंट्स का रेशियो निकालते हैं. देखो इसको मैं मान लेता हूं ऑक्साइड 1, ऑक्साइड 2, ऑक्साइड 3, ऑक्साइड 4 और ऑक्साइड 5. हमारे पास 5 ऑक्साइड्स हो गए, मेरे को रेशियो निकालना ऑक्साइड 1, ऑक्साइड 2, ऑक्साइड 3, ऑक्साइड 4 और ऑक्साइड 5.
तो ये तो फिक्स ही हो गया, तो वेरिएबल क्या है? देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें और देख लो एक बार, ये 14 का 14 और ये 32 का 32 ही रहेगा। ऑक्सीजन 16, यहाँ पर हमारे पास कितना आया देखो एक बार, 48 डिवाइडेड बाई 2 तो 24 हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 32, यहाँ पर 40 और यहाँ पे 32। अब 8 से डिवाइड कर देते हैं इसको, क्योंकि सभी कॉमन डिवाइडेशन हो रहा है, तो रेशियो आ गया बेटा 2, 3, 4, 5 और ये हो गया हमारे पास अगेन 4। तो ये रेशियो आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। बताया ना कि टू एलिमेंट्स मिलकर के कोई दो ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू गिव टू और मोर कंपाउंड एंड वन इज प्रेजेंट इन द फिक्स कंपोनेंट, मतलब फिक्स होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, फिक्स मास होना चाहिए, और फिक्स मास होगा तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करेगा। इट मीन्स ये क्या है, सिंपल होल नंबर, तो सिंपल सी बात हो गई, ये वाला क्वेश्चन किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ठीक है। इसी तरह से दो तीन क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन से देखते हैं। देखो अब मैंने एक न्यूमेरिकल यहां पे मेंशन किया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को क्लियर करते हैं कि इसमें क्या होगा और किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वही सेम चीज हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा और फिर उसका रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड, तो मैं लिख लेता हूं ऑक्साइड नंबर 1 और ऑक्साइड नंबर 2, ठीक है, हमारे पास 2 ऑक्साइड है, विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन। तो कार्बन की कंपोजिशन क्या दे रखी है, 42.9% और दूसरे ऑक्साइड में 27.3। तो ऑक्साइड है तो दूसरा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहां पर कितना कंपोजिशन बचा, तो 57.1, 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे, यहां पे आया 72.7, इसको भी 100 में माइनस करके निकाल लिया। अब क्या करना है, यहां पर दोनों के दोनों रेशियो अलग अलग हैं, मतलब कोई भी आपको फिक्स नहीं दिखाई दे रहा, जैसे अभी नाइट्रोजन का केस किया था उसमें भी फिक्स नहीं था, तो हमने फिक्स बनाया था उसको, तो यहां पर भी एक को फिक्स कर लेते हैं। देखिए फिक्स किसको करें, फिक्स करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिक्स उसको कर दो जिसकी परसेंटेज कम होती है, जिसकी परसेंटेज क्या हो, कम हो, उसको आपको फिक्स करना है। जैसे देखो यहां कार्बन की परसेंटेज क्या है, कम है, तो कार्बन को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। देखो व्हेन 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी ये, 57.1 के साथ, समझ में आ रही बात। अब वन पार्ट मतलब फिक्स कर दिया ना, वन पार्ट ऑफ कार्बन या वन ग्राम ऑफ कार्बन या 1% ऑफ कार्बन, जो भी आप लेना चाहो यहां पे, तो क्या आएगा 57.1 अपॉन में 42.9 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रही बात यहां तक। अब मैं इसका रेशियो निकालता हूं, क्या आया 1:33, 1:33 क्या आया 33, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारे पास। अब दूसरे की केस की बात करते हैं, देखो अभी तक हमने क्या बात किया यहाँ पे कि भाई फर्स्ट ऑक्साइड का केस कर लिया हमने, अब बात करेंगे सेकंड ऑक्साइड की। तो देखो सेम 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ये 72.7%, और वन पार्ट की बात करें तो 72.7 अपॉन में 27.3, अगर हम इसको क्रॉस ओवर करते तो हमारे पास आएगा 2.66, कितना आ रहा है 2.66। अब देखो पार्ट वन और पार्ट टू का रेशियो 1:1.33 और 2.66, तो क्या आया 1:2, दिस इज ऑल्सो ए सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ टू कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय टू एलिमेंट, वन इज फिक्स्ड एंड हैविंग द रेशियो 1:2, क्लियर। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इस तरह से मल्टीपल प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करना है, टू ऑक्साइड ऑफ लेड वर सेपरेटली रिड्यूस टू मेटालिक लेड बाय हीटिंग इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन। तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको मैं, लेड ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो क्या होगा भाई, इसकी प्रेजेंस में हीट किया तो ऑक्सीजन बाहर निकला ना, लॉस जो इसके मास में लॉस आया, जैसे पहला क्वेश्चन है
मास ऑफ येलो ऑक्साइड कितना है 3.45 ग्राम। लॉस आया आफ्टर रिडक्शन, कितना लॉस आया, लॉस आया 0.824 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि लॉस हुआ, लॉस तो ऑक्सीजन हुआ है ना, रिडक्शन में क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन आने से ये अमाउंट किसका है, ऑक्सीजन का अमाउंट है। तो हमारे पास ऑक्साइड का अमाउंट आ गया पूरे का और ऑक्सीजन का आ गया। क्या हम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का मास नहीं घटा सकते, हमारे पास किसका आ जाएगा, मेटल का आ जाएगा। तो लेड ऑक्साइड माइनस व्हाट ऑक्साइड, मास ऑफ ऑक्साइड, जैसे मान लो 3.45 माइनस में 0.24, यहां से हम किसका मास निकाल लेंगे, 3.45 माइनस में 0.24, तो हमारे पास आ गया कितना 3.21। समझ में आ रही बात, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करके हम किसका मास निकाल रहे, लेड का, ठीक है। तो ये समझने वाली बात थी कि भाई हो क्या रहा है, हीटिंग करने पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और ये ऑक्सीजन का अमाउंट है। अब देखो क्वेश्चन इजी है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक टेबल बना लिया करो हर क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास ये पहला कौन सा ऑक्साइड है, येलो ऑक्साइड, और दूसरे वाला हमारे पास है ब्राउन ऑक्साइड, ठीक है। और दे क्या क्या रखा है, वही लेड और हमारे पास क्या ऑक्सीजन, लेड और ऑक्सीजन। अब देखो मास ऑफ येलो ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड जो हमारे पास लेड का येलो ऑक्साइड जो है उसका मास कितना दे रखा है हमें 3.45। मैं लिख देता हूं लॉस इन मास ड्यूरिंग रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का मास कितना है 0.24, दूसरे वाले ब्राउन वाले केस में कितना है 0.16 ग्राम। अब हमारे पास टोटल कितना है 3.45 माइनस में ऑक्सीजन कर दोगे तो किसका आ जाएगा, लेड का आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आ गया 3.21। समझ में आ रही बात, 3.21 कहां से आया, 3.21 आया 3.45 माइनस में कितना गया 0.24, ऑक्सीजन और लेड ऑक्साइड को माइनस करके हमने लेड का मास निकाल लिया। अब इस वाले केस में बात करें तो हमारे पास टोटल कितना है 1.227 माइनस 0.16, हमें क्या क्या मिलेगा 1.067, इसको माइनस करके कितना आएगा 1.067। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1.067। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो हमने लेड का मास लिखा और यहां पर ऑक्सीजन का, अब क्या करना है, वही एक चीज को फिक्स करना है। और फिक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो फिक्स किसको करेंगे हम लोग, फिक्स उसको करेंगे जो कम होगा, फिक्स उसको करेंगे जो कम होगा, ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन इजी करने का सिंपल तरीका है, फिक्स वो होगा जो कम होगा अमाउंट। अब देखो इसमें किसको फिक्स कर ले, इसको कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो लिखते हैं व्हेन 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाउ मच अमाउंट 3.24, और या पार्ट भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, और वन पार्ट की अगर हम बात करें तो 3.21 अपन में क्या आ गया 0.24, और यहां से अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो हमारे पास क्या आ गया 13.375 हमारे पास जनरेट हो गया। अब दूसरा केस लेकर भी चलते हैं, देखो दूसरे केस में क्या है, यहां पे ले लेते हैं, ये तो येलो का केस हो गया, आप ले लेते हैं ब्राउन का केस। तो ब्राउन वाले केस में क्या होगा बेटा, देखो स्टार्टिंग में वही चीज 0.16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद लेड टू फॉर्म ऑक्साइड, तो कितना लेड के साथ रिएक्ट किया 3.21, और हम एक पार्ट की बात करें तो देखो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 3.21 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.16, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर आएगा 1.067 क्योंकि हम ब्राउन ऑक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है 1.067, क्लियर। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा 6.668, डिवाइड करने के हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई हमारे पास देखो येलो ऑक्साइड का क्या डाटा आया और ब्राउन ऑक्साइड का क्या डाटा आया, और उससे हमें चेक करना है कि सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ या नहीं हुआ। तो येलो हो गया और ये ब्राउन हो गया, ठीक है। येलो का कितना आया हमारे पास 13.375 रेशियो,
6.668। आप देखो नियरली क्या है 2:1, सो दिस इज ऑल्सो ए सिंपल होल नंबर रेशियो। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए टू एलिमेंट ऑफ ए सर्टेन मेटल वर हीटेड इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन अंटिल कॉन्स्टेंट वेट वर ऑब्टेन्ड, द वॉटर प्रोड्यूस इन ईच केस वर केयरफुली कलेक्टेड एंड वेट 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड गिव रिस्पेक्टिवली 0.। बेटा ये जो वेट है ना, ये वेट ये किसके लिए दे रखा है, वॉटर का वेट दे रखा है। एक ऑक्साइड में जो वॉटर है, जो कंपोनेंट है, उसके अंदर वॉटर कितना है, इतना इतना वॉटर है ऑफ वॉटर, शो दैट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन पार्ट बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से कि हमारे पास क्या क्या चीज दी हुई है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है वेट ऑफ वॉटर 0.2517 ग्राम, और सेकेंड वाले ऑक्साइड में, ये फर्स्ट ऑक्साइड है, सेकेंड वाले में वेट ऑफ वॉटर दे रखा है हमें 0.4526 ग्राम। अब अगर हम वॉटर के वेट से ऑक्सीजन का वेट निकाल सके तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्साइड का वेट आ जाएगा। ऑक्सीजन का वेट आते ही हम टोटल ऑक्साइड के वेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा, मेटल का वेट आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O हमारे पास ये है, तो एक करते हैं यहां पर, देखो हमारे पास H2O जो है ना, H2O के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, 18 ग्राम, सॉरी टोटल कितनी होती है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। मतलब दोबारा बात कर लेते हैं इस चीज को लेकर के, 18 ग्राम ऑफ वॉटर हैज ऑक्सीजन 16 ग्राम। आप देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, यहां पे 2 हो गया टोटल और ये 16 हो गया, टोटल कितना है 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम ऑफ वॉटर में कितनी ऑक्सीजन होती है, जनरली 16 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होती है, राइट। अब क्या करें भाई, 1 ग्राम में कितनी होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 अपॉन में क्या आ गया बेटा, 18 आ गया, ठीक है, 16 अपॉन में क्या आ गया, 18। अब क्या करें, अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे पास कितना ग्राम है, देखो 0.2517 ग्राम में कितनी होगी, 16 अपॉन में 18 इंटू में 0.2517 ग्राम, ठीक है, यहां से निकाल लेंगे। मतलब हमने क्या निकाला, इतने वॉटर के अंदर कितनी हमारे पास ऑक्सीजन होगी, 0.2237 के अराउंड होगी, 0.2237 ग्राम के अराउंड होगी, समझ में आ रही बात की। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले प्रोस्पेक्ट को ले लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ H2O हैज ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है यहां पे, तो हमारे पास अगेन 16 है, और 1 ग्राम की बात करें तो 16 अपॉन में कितना हो गया, 18 हो गया, और 0 पॉइंट कितना है, सेकंड वाला केस 0.4526, तो 16 अपॉन में 18 0.4526, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0.4023 ग्राम के अराउंड आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों केस में सिर्फ क्या निकाला है, ऑक्सीजन का अमाउंट, किसका निकाला है, ऑक्सीजन का। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास है वही सेम सिस्टम, ले लेंगे टू एलिमेंट ऑफ ए सर्टेन मेटल, मतलब दो तो मेटल हो गए, तो हम ऑक्साइड 1 ले लेते हैं और ऑक्साइड 2 ले लेते हैं, और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब बात हो रही है क्या कि भाई ऑक्सीजन का वेट कितना आया, पहले वाले में ऑक्सीजन का वेट आया 0.2237, दूसरे वाले में कितना है 0.4023 ग्राम, समझ में आ रही है बात यहां तक। अब क्या करें भाई, मेटल का वेट निकालना है, मेटल का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्साइड के वेट में, टोटल ऑक्साइड के वेट में से ऑक्सीजन का वेट माइनस कर दो, तो क्या करेंगे 2 माइनस 0.2237, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.7763। तो यहां पर सीधा ही लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं यहां पे सीधा 1.7763, किसमें से किया 2 माइनस में क्या किया 0.2237, समझ में आ रही बात क्या था। अब सेकंड वाले ऑक्साइड में क्या करेंगे, 2 माइनस में क्या कर देंगे,
ये वाला अमाउंट कर देंगे माइनस, तो ये वाला अमाउंट माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा 1.5977, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 माइनस में ये, तो 2 माइनस में ये किसका आ गया, मेटल का आगे के लिए आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर दोबारा समझ लेते हैं इस चीज को, वाटर का वेट दे रखा था, ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया, ऑक्साइड में से माइनस किया तो मेटल का वेट आ गया, तो मेटल और ऑक्साइड दोनों के वेट आ चुके हैं हमारे पास। अब इन क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल है, वो नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है ये। अब नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए देखो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला हमारे पास किसको फिक्स करें, देखो जिसका अमाउंट क्या है आपके पास ज्यादा है उसी को फिक्स कर लेते ना, जिसका काम है उसको फिक्स करेंगे। तो देखो ऑप्शन को फिक्स करेंगे यहां पे 0.2237 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ कितना मेटल, सब कंबाइन होती है 1.7763, ठीक है, और वही वन पार्ट मतलब फिक्स हो गया ना ऑक्सीजन, 1.7763 अपॉन में क्या आ गया 2237, इसी कैलकुलेशन करते हैं अभी देखो। तो यहां पर सेकंड वाले केस में क्या आएगा देखो 0.4023 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ मेटल, कितना है मेटल हमारे पास 1.5977, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा 1.5977 अपॉन में 0.4023। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो यहां पर बस मेंशन करना है। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.1259 ग्राम के अराउंड आएगा, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.2515 ग्राम के अराउंड आ जाएगा। अब क्या करना है, दो ऑक्साइड है ना तो दोनों को वही रेशियो निकालना है हमें, ऑक्साइड वन और ऑक्साइड टू, ऑक्साइड वन क्या है 0.125, रेशियो क्या आ जाएगा 0.2515, तो हमारे पास आ गया 1:2। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम काफी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात लिख लेते हैं हम लोग, हमारे पास 2 ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से, ऑक्साइड 1 एंड ऑक्साइड 2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और क्या दे रखा है हमें, 2 ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 27.6% एंड 30% ऑक्सीजन, 27.6 एंड 30% ऑक्सीजन, ये हमें गिवन है। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, पहले वाले ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, फाइंड दैट ऑफ द सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला बताना है आपकी बार, क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है आपकी बार फॉर्मूला। देखो इसकी हेल्प से हम फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले कर लेते हैं, देखो हमारे पास 100% होता है टोटल, 100 माइनस में 27.6 तो कितना होगा यहां पर देखिए 57.4%, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 70%, क्लियर हो रही है यहां तक बात। अब देखो अब हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑक्साइड और सेकंड ऑक्साइड के अंदर मैंने एक बात यहां से देखी कि फर्स्ट ऑक्साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, यहां पे एक मिनट, यहां पे कैलकुलेशन हमारे पास आएगा 72.4%, ठीक है 72.4% नियरली 72.4% हमारे पास हो जाएगा ये। अब देखो क्या करना है इसके अंदर हमें, मैंने एक चीज देखी कि यहां पर जो मेटल है, मेटल भाई हमारे पास टोटल 100% होना चाहिए ना, इसलिए ये एरर को डिलीट किया हम लोगों ने, ठीक है वो कैलकुलेशन एरर था। देखिए अब आगे होता है, हमारे पास 72.4% है, 27.6% है यहां पे, तो इसका डाटा तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं एक बात बोल रहा हूं 72.4 पार्ट ऑफ मेटल कंटेन, कितने एटम कंटेन कर रहा है ये, 3 ना, 3 एटम। अब मैं एक बात बताना कि अगर इतना परसेंट 3 एटम कैरी करता है तो इतना परसेंट कितने एटम कैरी करेगा, तो मैं एक बात करें तो भाई वन पार्ट कितना करेगा 3 अपॉन में 72.4, और 70 कितना करेगा 3.72.4 इंटू में 70, इसकी कैलकुलेशन कर लेना इतने एटम आ जाएंगे, ठीक है 2.90 एटम आ गया। मतलब हमारे पास सेकेंड ऑक्साइड की मैं बात करूं
तो मेटल आ गया 2.90। क्लियर। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर लेंगे। देखो 27.6 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 एटम है। 1 की बात करें 4/27.6, हमें निकालना किसके लिए है, 30% के लिए। 4/27.6 इंटू में 30, तो हमारे पास नियरली एटम आ जाएंगे 4.35 एटम। तो आपने एक चीज देखी कि हमने इस कैलकुलेशन के थ्रू जो सेकेंड ऑक्साइड है, जैसे मैं मान लेता हूं कि MX और ये हमारे पास OY है, तो X और Y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो देखो यहां पर सेकेंड ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, मेरे पास मेटल और ऑक्साइड का रेशियो आ चुका है। मेटल कितना है 2.90 और ऑक्सीजन कितना है 4.35। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1:1.5 आ गया। अब ये सिंपल होल नंबर नहीं है, इसको सिंपल होल नंबर बनाना पड़ेगा अपने को। तो क्या करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई मार देता हूं। तो मेरे पास मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया 2 और यहां पर कितना आ गया 3। तो फाइनली जो हमें चाहिए फॉर्मूला क्या आ गया, M2O3। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। मतलब नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन रीड आउट करेंगे ताकि डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक सिंपल क्वेश्चन को लेकर के। जैसे देखो मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, सेम टू सेम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो समझ रहा है बस अपने को। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ द थर्ड सी। तो ए कंबाइन हुआ सी के साथ, बी भी कंबाइन हुआ किसके साथ, सी के साथ। तो सी क्या हो गया यहाँ पर फिक्स, बस फर्क कितना आ रहा है यहाँ पे, वहां पर हम फिक्स करते थे, यहाँ पे आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके पास सी क्या हो गया, फिक्स हो गया। इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइंड डायरेक्टली विद ईच अदर। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, मैंने आपको कहा कि ए सी एक कंपोनेंट है जिसमें सी 50% है, कितना है 50%। बी सी एक सिस्टम है जिसके अंदर सी 40% है आपके पास, ठीक है, और ए बी एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास बी दे रखा है मान लो 50%। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर एसी की बात करूं, किसकी बात करूं, एसी की, तो एसी में सी कितना है हमारे पास 50, अगर सी 50 है तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ ए बी कितना होगा 50 होगा। बी सी में अगर बी सी कितना है 40, बी सी में सी कितना है 40, तो बी कितना होगा 60 हो जाएगा। ए बी की अगर बात करें तो बी कितना है हमारे पास ए बी में, ए बी में बी है 50%, तो ए बी कितना हो जाएगा 50%। सबसे पहले मुझे सी को फिक्स करके ए का कंपोजिशन और बी के कंपोजिशन का रेशियो निकालना है, जैसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में करते थे। तो देखो अगर मैंने क्या किया, सी को फिक्स कर दिया, तो सी को फिक्स करने का मतलब क्या है, वही वाली बात, सेम टू सेम चीज दे दो भाई, क्या करेंगे 50/50 आ जाएगा यहाँ पर भाई। अगर हम सी को फिक्स करते हैं एसी के कंपैरिजन में तो 50/50 आ जाएगा। कैसे आ रहा है वो भी देख लो एक बार भाई। जैसे देखो मैंने सी को फिक्स किया तो 50% या 50 ऑफ सी किसके साथ कंबाइन हुआ, ए के साथ। तो 1 सी किसके साथ कंबाइन होगा 50/50 ऑफ ए के साथ। आ रही बात समझ में। अब सेकंड वाले के बीसी का केस ले रहे हैं, तो बीसी में क्या करेंगे, देखो 40 ऑफ सी कंबाइन हुआ किसके साथ, 60 ऑफ ए के साथ, सॉरी बी के साथ। अब ए 1 सी किसके साथ कंबाइन होगा 60/40। तो मैंने दो चीजें निकाल ली यहां से, देखो 50 ऑफ सी से आया 50/50, मतलब ए के साइड का रेशियो क्या आया 50/50, तो यहां से आ गया भाई। और बी के साइड वाला रेशियो क्या आया, देखो 60/40, तो मेरे पास आ गया यहां पर 3/2। 1:3/2 होता है
2:3 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2:3। मतलब मैंने सेपरेटली निकाल लिया ए और बी का रेशियो कितना आया 2:3। अब मैं निकालूंगा जो गिवन डाटा है उससे, तो 50% और 50% मतलब आप समझ रहे होंगे 1:1 आएगा। या तो ये दोनों रेशियो सेम आ जाए या ये दोनों रेशियो सिंपल होल नंबर हो, तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर जाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो देखो द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ ई टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल। या तो सेम हो दोनों के दोनों रेशियो या क्या हो सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइंड डायरेक्टली। ए और बी को अगर डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो उसका रेशियो और जो हमने निकाला है ए बी का रेशियो वो रेशियो दोनों के दोनों सेम हो या क्या हो आइदर सिंपल होल नंबर रेशियो हो, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल गिवन बाय रिक्टर 1792। इसमें दिया था 1792 के अंदर। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल मैंने नीचे लिखा हुआ है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है वो भी देखिए। इसी तरह से आपको ट्रायंगल बना करके जो बीच का पोर्शन है उसको फिक्स करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो अमोनिया कंटेन 82.35% ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया क्या होता है NH3 एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन, वाटर कंटेन, वाटर क्या होता है H2O। चलो यहीं तक बात कर लेते हैं पहले। इसमें इन तीनों एलिमेंट्स में देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हो गया फिक्स, हाइड्रोजन हो गया फिक्स, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। इस साइड किसका कंपाउंड बना देते हैं अमोनिया का, इस साइड बना देते हैं वाटर, ठीक है। क्या कह दिया था, अमोनिया कंटेंट 82.35% नाइट्रोजन, 82.35% नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 17.65% हाइड्रोजन है हमारे पास, वाटर कंटेंट 88.90% ऑफ ऑक्सीजन, 88.90% ऑफ ऑक्सीजन और 11.10% क्या दे रखा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यहां से क्या बना रहा है ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कंटेन 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% नाइट्रोजन। और ये प्रूफ करके दिखाओ ये लॉ ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन फॉलो करेगा। अब देखो पूरे सिस्टम से हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है, पहले हमें एन और ओ को सेपरेटली निकालना पड़ेगा और ये दे रखा है इससे रिलेट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन फिक्स है नो डाउट, तो सीधी सी बात दे देते हैं। इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के केस की बात कर लेते हैं, तो देखिए 17.65 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन किससे कंबाइन होगा 82.35 ऑफ व्हाट नाइट्रोजन, वन पार्ट किससे कंबाइन होगा ये देखिए, वन पार्ट कंबाइन होगा 82.35 अपॉन में 17.65। आ रही बात समझ में, यहां से हमने इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया कि यहां से मैं बता देता हूं 4.67 इसकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है वोटर का, इन केस ऑफ वाटर सेम क्या होगा 11.10 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है 88.90 ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। वन पार्ट किससे कंबाइन होगा चेक करते जाओ 88.90 अपॉन में 11.10, 8 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे 10, ये 0.1 के अराउंड आएगा लगभग, ठीक है 8.01 के अराउंड आ गया। तो हमारे पास ये डाटा आ गया, ये भी डाटा आ गया। अब देखो भाई नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया 4.67 रेशियो 8.01, ठीक है। और दे क्या रखा है वो भी देख लेते हैं, एंड इस वाले केस में देखो
नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है 36.35 और 63.15। अब देखो बेटा क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करना, मतलब कि 4.67 से दोनों तरफ डिवाइड करना है, ये तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1.7, क्लियर है। यहाँ पर भी आपको सेम करना है, 36.85 डिवाइड कर दोगे ये 1 हो जाएगा और यहाँ से भी 1.72 आएगा। तो अब देखो दोनों के दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम। दिस लॉ फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। देखो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, काफी सिंपल है, उसी से रिलेट करेंगे हम मेथड्स को। यहाँ पर देखो हमारे पास CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों ने इन दोनों में देखा कि क्या फिक्स करना है, कार्बन। तो देखो कार्बन को फिक्स कर दिया और एक साइड हमने ऑक्सीजन लिया, एक साइड सल्फर लिया। हमारे पास क्या है CO2 और ये हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसमें देखो CO2 कंटेन 27.27% कार्बन और CH2 में कितना कार्बन है 15.79%, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है। अब देखो ऑक्सीजन कितना आएगा, यहाँ पर 100 में से माइनस कर दो कितना आएगा, हमारे पास आ गया 72.73% हमारे पास क्या आ गया ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारे पास 84.21% माइनस करेंगे इसको 100 में से। अब देखो ये हमारे पास क्या देखता 50% सल्फर, किस केस में CO SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर कितना है 50%, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा हमारे पास 50% हो जाएगा, दोनों के दोनों 50% हो गए। अब क्या करना है देखो वही इसमें कार्बन को फिक्स कर देते हैं, तो देखो 27.27 ऑफ कार्बन इन CO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितना पार्ट है ऑक्सीजन का 72.73, तो वन पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा 72.73 अपॉन में 27.27, ठीक है। अब क्या देखो सेकंड वाला केस क्या हमारे पास वो देख लेते हैं, 84 फिक्स किया है 15.79, तो 15.79 रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, कितनी फिक्स है 84.21, 1 ग्राम 1 पार्ट की बात करें तो 84.21 अपॉन में 15.7। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारे पास कितनी आएगी, देखो 2.66 के अराउंड ही आएगा, इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी 5.33 के अराउंड ही आएगा, ठीक है। तो हमने देखा वही ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशियो है तो कितना आ रहा है हमारे पास ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन वाली साइड है कितना है 2.66, यहाँ पर कितना है 5.33, तो हमारे पास रेशियो आ गया 1:2, क्या आ गया 1:2। यहाँ देखो सल्फर ऑक्साइड सेपरेटली भी देख लेते हैं, सल्फर ऑक्साइड 50:50 तो सीधा हो गया, तो 1:1, दोनों या तो सेम हो या क्या हो सिंपल हो नंबर हो, उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब हमारे पास दिस इज काफी न्यूमेरिकल्स है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास गेलुसेक्स लॉ। गेलुसेक्स लॉ को समझने के लिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ ताकि थोड़ा बहुत हमें क्लियर होगी गेलुसेक्स लॉ है क्या, फिर उसकी डेफिनेशन को हम क्लियर करें। देन देखो गेलुसेक्स लॉ में क्या करेंगे, हमारे पास H2 है प्लस में हाफ ऑफ O2 है, मुझे क्या बन गया H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और ये भी हमारे पास क्या हो गया 2, ठीक है। अब मैंने कहा आपको 1 वॉल्यूम या यहाँ पे 2 H2 की मैं तो 2 ले लेते हैं, 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन की है, 1 वॉल्यूम अगर ऑक्सीजन की है, तो कितना वॉल्यूम वाटर बनेगा, वाटर बनेगा 2 वॉल्यूम, मतलब जो स्टोकियोमेट्री है ना डायरेक्ट हमें वो की ओर लिखनी है किसकी भी कितनी हो। अब देखो देखने में तो हमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 2 लीटर हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 लीटर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, तो कितना लीटर वाटर बनना चाहिए आपके हिसाब से, 3 लीटर बनना चाहिए, 3 लीटर थोड़ा बनेगा स्टोकियोमेट्री के हिसाब से बनेगा, कितना बनेगा 2 लीटर। इसी तरह से N2 + में 3H2 हमारे पास है 2NH3, तो यहां पर कितनी वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, यहां कितनी वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम, कितना बनेगा 2 वॉल्यूम।
अगर मैं मान लो यहाँ पर 1 लीटर लू और यहाँ पर 3 लीटर लू तो 4 लीटर नहीं बनेगा, कितना लीटर बनेगा? 2 लीटर। इस तरह के स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ गेल लुसेस लॉ के बारे में, इसी का जो क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम विच बियर सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इफ दे इफ दीज आर ऑल्सो गैसियस प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम are done under similar condition of temperature and pressure. ये सारी चीजें वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट होंगी और this is all about ये लुसेक्स लॉ। थैंक यू।